तो नमस्कार, मैं अनिल उपाध्याय लखनऊ का अन्ना लखनऊ में अपने घर से बोल रहा हूँ। मेरे पास सऊदीया से कई फोन आए अभी। सऊदी अरब में और इस जो सऊदी में, अमन में, दमन में, ओमान में, कतर में, दोहा में, दुबई में जो लोग कामगार हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वहाँ पे एक बात बड़ी अजीब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से अलग, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, तुम किस श्रीलंका के किस देश के हो, बस ये चलता है। तो जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग साथ में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि श्रीलंका के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, हिंदुस्तान के भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब मिलजुल के एक साथ एक बिल्डिंग में या एक कमरे में, एक डॉर्मेट्री में इस तरह रहते हैं। वहां से मेरे पास कई फोन आए कि मुजफ्फराबाद में हमारे साथ रहने वाले लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि बम जंगलों में डाले गए हैं और कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ है, कि पाकिस्तान में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जो आतंकी भारत सरकार का जो ऐलान चल रहा है कि 400 लोगों को मार गिराया, 400 आतंकी मार गिराए, ऐसा नहीं हुआ है। खाली जंगलों में बम फेंके गए, सैटेलाइट से जब वो मिला तो F-16 विमानों ने उड़ान जैसे ही भरी तब वो लोग वापिस आ गए वहां से। इस तरीके की सूचनाएं वहां दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है, देखिए दुनिया भर में सभी न्यूज चैनल देखे जाते हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में हिंदी न्यूज चैनल देखे जाते हैं तो तमिलनाडु में वो चैनल नहीं देखे जाते हैं, वेस्ट बंगाल में वो चैनल नहीं देखे जाते हैं, बेंगलोर में बहुत बड़ी संख्या में वो चैनल नहीं देखे जाते हैं। आप सोचते होंगे कि ये जो टीवी पे न्यूज आप हिंदी में देख रहे हैं वही तमिलनाडु में देखी जा रही होगी, ऐसा नहीं। वहां पे न्यूज चैनल दूसरे हैं, हर जगहों पे न्यूज चैनल, रिपोर्टर सब अलग अलग हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सच्ची रिपोर्टिंग की और भारत व पाकिस्तान दोनों की सरकारों के सच्चे बयानों की आवश्यकता है आज समाज को, देश को, दुनिया को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बड़ा भयानक एक अटैक हुआ है। और पाकिस्तान जो मुझको वहां से खबर, सऊदीया के भाई लोग फोन करके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और पाकिस्तान को भी मुर्दा न समझा जाए, पाकिस्तान भी तगड़ा जवाबी अटैक कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि भारत ने एक मजबूत, हमारे देश ने बहुत मजबूत कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई की असलियत क्या है, कार्रवाई में सचमुच में कहां पे क्या अटैक हुआ, जो वीडियो जारी करने की बात चल रही वो सब जारी करने चाहिए और एकदम आधिकारिक बयान अब आने चाहिए। मैं भारत सरकार से एक अपील करता हूं कि चीजों को स्पष्ट करने के लिए, अब नरेंद्र मोदी लाइव होने वाले थे, हो सकता है हो भी गए हूं, मैं उनको सुनता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, और सरकारों को विश्वसनीयता के साथ जनता के मैदान में उतरना चाहिए। तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, अफवाहों पर न जाएं, अफवाह न फैलाएं, किसी भी प्रकार की बातें न फैलाएं आगे, जो सरकार और सेना बोले, सत्य जो सामने दिखाई दे उस पर विश्वास करें। बस इतनी सी बात मैंने कही। सऊदीया से मेरे पास कई फोन आए कि वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ है और सरकार कह रही कि 400 लोग मारे गए हैं जंगलों में और खाली खेतों में बम डाले गए हैं। तो बम तो डाले गए, अटैक तो हुआ, भारत ने पाकिस्तान पे अटैक तो कर दिया, ये बात हमारे लिए सबसे अच्छी है। जो छोटी लकीर आतंकवाद की खींची पड़ी थी ना 1999 कारगिल युद्ध के बाद से, लगातार छुटपुट घटना, कहीं यहां वार किया जा रहा है देश के अंदर, कहीं वहां वार किया जा रहा है, वो सारे वार खत्म हो गए। आज बड़ी लकीरें खींची तो है भारत सरकार ने, इस बड़ी लकीर को खींचने के लिए मैं नरेंद्र मोदी समेत संपूर्ण भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, सभी को बधाई का पात्र बना रहा हूं, सभी को बधाई दे रहा हूं। निश्चित रूप से बधाई की बात है, ये बधाई देने वाला विषय है हर देशवासी के लिए। मुझसे अभी जो सऊदीया से जो फोन आ रहे हैं ना हमारे हमवतन मुस्लिम भाइयों के, उन्होंने कहा अनिल भाई गर्व से फक्र से सीना छाती चौड़ी हो गई, हम लोग पाकिस्तानियों के साथ रहते थे, वो लोग हम लोगों पे टॉन्टिंग करते थे, अब कोई टॉन्टिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है। तो मतलब बात को समझिएगा, सऊदी में जहां पे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंका सब देशों के लोग एक साथ रहते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान का रुतबा जोड़ा कम हुआ था। मैं मोदी का को सल्यूट करता हूं कि आज हिंदुस्तान का रुतबा तो बढ़ाया कम से कम आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको 100% बधाई देता हूं। और एकदम स्पष्ट कहूंगा कि प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, चाहे राहुल गांधी बन जाए, चाहे अखिलेश यादव बना दो, चाहे मायावती बना दो, अच्छा करें तो अच्छा कहो, बुरा करें तो बुरा कहो, सीधी सी बात है। नागरिक शक्ति को पहचानो, अपने को किसी भी दल के गुलाम मत बनाओ, अच्छा है तो अच्छा कहो, बुरा है तो बुरा कहो, सीधी सी बात है। बाकी बातें